गुड मॉर्निंग गाइस अरे रे ये आज इतनी ज्यादा ठंड क्यों लग रही है मुझे भाई और ऐसे क्यों लग रहा है भाई जैसे मैं आसमान में लेटा लेट आऊंगा जीतूंगा सब रे ये कहूँ मैं हेलो ये आसमान इतना खुला खुला क्यों है एक मिनट मैं तो अपने बेड पर सोया था भाई ये कौन है ये तो एक आइस गॉड हल्का है और मैं एक आइस बुलेट ट्रेन पर खड़ा हूँ

वैसे ठंड का मौसम तो आ गया है बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम एक बुलेट आइस ट्रेन के ऊपर खड़े हैं जो हवा में लटकी पड़ी है अटकी पड़ी है आई डोंट नो और गाइस ये इतने सारे आइस गॉड अल्पता नहीं क्या कर रहे हैं ओ भाई सिंचैन ओ भाई सिंचैन तू गनसन को मार क्यों रहा है अरे तो की आवाज आ रही है लेकिन अभी मैं पीछे देख नहीं सकता क्योंकि मुझे इस चैलेंज को जीतने के लिए सबको डोमिनेट करना पड़ेगा सबको पीटना पड़ेगा कुछ भी हो जाए ट्वेंटी फोर आवर्स वाला चैलेंज तो मैं सर्वाइव करूंगा ये सिंचन की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी तरह के चैलेंज के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर ये पूरा चैलेंज 24 फोर आवर्स का है ओ भाई साहब सिंचैन को देखिए क्या खतरनाक इसने ए के की बुलेट चलाई है और बंदूक से सबकी बैंड बजा डाली भाई आइस कॉट हल्क की भी ओ माय गॉड अब ऐसे इंचैन भाई क्या क्या है तेरे पास मशीन गन भी है भाई और यहाँ पर साथ साथ में इसके पास पता नहीं और कौन कौन से वेपन है जो भी यहाँ पर मेरे रास्ते में आएगा मुझे चैलेंज से हराने कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा हाँ सबको पीट डालूंगा अब देखो जरा कोने में भी जे, हाँ। ये तो सच में फ्रैंकलिन भैया सुनचन और सुन सिंचन पहले मेरे को यह पता भाई ये, 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 ये सपना है कि सच्चाई है अरे सच्चाई है आपको पता है हम एक अजीब से चैलेंज में आ चुके हैं हमें पर पर 24 करना होगा होगा माना गया है जो भी करेगा वो ही इस चैलेंज का विनर बट फायदा क्या यहां पर जीतने के बाद कुछ मिलेगा भी ऐसे वो तो अभी तक नहीं बताया गया लेकिन माना गया है जो भी विनर होगा उसके पास किसी भी चीज की कभी भी हमेशा कमी नहीं रहेगी ऐसा क्या मिलेगा भाई गिफ्ट में और बताया भी नहीं है खैर ये चैलेंज यहाँ पर सिंचन तुम मेरे साथ रह प्लीज मिस्ट्रीज कंप्लीट करवाएगा ना मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा इसको सर्वाइव नहीं बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए और हटो हटो यहाँ से हटो हटो सबको मार दूंगा बोरे बाप रे सिंचन जल्दी गन निकाल मार इसको अरे वेंकी भैया ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है लगता है हम दोनों को मिलकर इसको पीटना पड़ेगा अरे चोर सिंचन मैं तो बोलता हूँ ऐसे भाग जाते हैं नहीं फेंकी भैया ये हमारा पीछा करेगा और हमारी बैंड बजाएगा ऐसा है तो तो इसको मार ही दे तो भाई गाइस देखिए सिंचन और ये कौन कौन सी गन्स लेके बैठा है सिंचन सुनना इस तरह की गन मैं कहाँ फाइंड करूँ मुझे यहाँ पर एक पास में शेल्टर मिला था वहीं

शेल्टर आई थिंक हाँ, मुझे वहीं पर okay, 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 तो वेपन्स ओके ओके बिताएंगे और मस्त 24 सर्वाइव करने के बाद बन जाएंगे। वैसे, हमारे तो बाकी मुझे नहीं पता और कौन है वैसे तो गाइस मैं प्रे करता हूँ हमारे अलावा कोई ना हो वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी अरे भाई मजा आ गया मजा आ गया बिल्कुल मजा आ गया एक मिनट इसके अंदर से तो भाई साहब अवेंजर्स की आवाज आ रही है भाई ये तो सच में अवेंजर्स ही है उठू की कसम ये क्या ये फ्रैंकलिन यहाँ क्या कर रहा है अब फ्रैंकलिन तू यहाँ क्या कर रहा है अरे वो छोड़ो भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो अब हम चैलेंज कम्प्लीट करने आए हो, हो, हो तुझे पता नहीं है क्या चैलेंज कम्प्लीट करने के बाद हमें क्या क्या मिल सकता है अरे यार क्या मिल सकता है हम तो जय नहीं बताएंगे बिल्कुल सही कहा हम नहीं बताएंगे लेकिन हम जीत जरूर जाएंगे मेरी बात सुनो मेज प्लीज हमें भी यहीं रहने दो तो बड़ी अच्छी गर्माई हो रही है यहाँ पे अब निकल यहां से बड़ी अच्छी तरह से हमने इस जगह को बनाया छोटे बोल रहे हो आपने नहीं बनाया ये पहले सीधे जगह तुम निकलते हो या मारपीट के भगाया अच्छा ठीक है ठीक है जा रहे जा रहे हैं पर कुछ खाने पीने का सामान दे देता अब है हटा है यहां से भिखारी कहीं के जहाँ

टोनी के बच्चे तो जो तो मैं छोड़ूंगा नहीं देख लूँगा फिलहाल तो गाइस चलो ट्रेन पर वापस चलते हैं। यहाँ रहा तो अच्छी खासी बैंड बच जाएगी एक मिनट मेरे पास एक आइडिया है गाइज अगर सम्भाव मैं किसी भी तरीके से यहाँ पर इस स्टा के घर के पास से लकड़ियाँ चुरा लूँ बट लकड़ियाँ चुराऊंगा तो उसको पता चल जाएगा ना अरे ये पेड़ ये पेड़ तो वैसे भी बंजर है अगर मैं इसको काटूंगा तो कोई बुराई भी नहीं होगी सुनचन मेरी बात सुन क्या कोई फायदा है अब तो हम ठंड से ही मर जाएंगे अरे नहीं मेरे पास एक आइडिया है हम यहाँ पर वो पेड़ दिख रहा है सामने कौन सा पेड़ अरे वो जो सूखा पेड़ पड़ा है के के घर के पास हाँ, हाँ, तो मैं बोल रहा हम उसको काट देते हैं काटने के बाद लकड़िया मस्त निकालेंगे और भाई दूर कहीं जाके अपना मस्त कैंप फायर जलाएंगे और वहां पर भाई साहब हम आसानी से हाथ वाथ तापेंगे और भाई साहब ठंड से छुटकारा पालेंगे भैया आइडिया तो बढ़िया है लेकिन उसके लिए जी चाहिए कुल्हाड़ी अरे लो कुल्हाड़ी भी मिल गई वहीं रखी है और मेरी बात सुन सिंह तू जा अवेंजर्स के पास लेकिन अवेंजर्स के पास क्या जाऊँ अरे तेरे को जाके अवेंजर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना अच्छा ऐसा तो ठीक है मैं अवेंजर्स के पास जाता हूँ और उनको अपनी बातों में लगाता हूँ तब तक आप ना इस पुर के ऊपर पेड़ को काट कर जल्दी से लकड़ी लेके भाग जाना और मुझे इशारा कर देना तो मैं भी भागाऊँगा बहुत बढ़िया गाइस अभी सिंह जा रहा है अवेंजर्स को डिस्ट्रैक्ट करने क्योंकि हमें उस पेड़ को काटना पड़ेगा क्योंकि अगर इस ठंड में इस ठंड से भरी बर्फ़ से भरी ट्रेन के ऊपर सर्वाइव करना है वो भी ट्वेंटी फोर आवर्स तो भाई ये तो करना पड़ेगा ना भाई बाप

सिंचैन ने यहां पर अवेंजर्स को अपनी बातों में लगा लिया है तब तक आप लोग गाइज अगर चाहते हो मैं इस चैलेंज को जीतूं तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा उससे बहुत हेल्प हो जाएगी अरे बापरे ये पेड़ बहुत ज्यादा हार्ड है यह लगता है ये भी बर्फ जैसा जम गया है खैर मैं आप पूरी मेहनत करके इस पेड़ को काट लूंगा ऑल राइट देखिए हमने पेड़ की कोड़ को की पूरा पेड़ तो मैंने काटा नहीं पर पेड़ के कुछ हिस्से काट कर उससे लकड़ियां एकदम चॉप कर ली हैं और यहां पर इतनी लकड़ियां आई थिंक इनफ रहेंगी अभी देखिए पेड़ काट

भाई। तुम भी यहां पर हो ये क्या चल रहा है भाई ऐसा लगता है आधा लॉसेंटोस इसी ट्रेन के चैलेंज पे कंप्लीट करने आ गया भाई खैर तुम चिंता मत करो मैंने भी इस को बुलाया हमारे पास ही लकड़ियाँ हम एक छोटा सा अपना कोई जगह ढूंढेंगे सेफ सी भाई इस ट्रेन के ऊपर तो मैं रहूँगा नहीं मुझे कोई अलग शेल्टर चाहिए ये ट्रेन का भाई सरफेस बहुत ज़्यादा ठंडा है चलो 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 जल्दी चलो मैंने अभी से भाना भर दिया कि मैं खाना लेकर आ रहा हूँ जिससे कि यहाँ पर वो इंतजार करें वो ज़्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे हमारा पीछा करेंगे बाकी पिंचन चौप तुम भी चलो कल वा बाबा ये सब हो क्या है अरे हमारे पास अभी टाइम नहीं है बताने के लिए पर मेरी बात सुनो पिंचन चौप हमें किसी भी हालत में ये बचे हुए बीस घंटे सर्वाइव करने होंगे अगर हमने ये सर्वाइव

बंजर पेड़ है उसकी लकड़ियाँ काट कर वापस से हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे बाकी चलो भाई हाँ मैं कुछ टाइम के लिए सो जाता हूँ वही बढ़िया रहेगा हाँ, गुड नाइट गाइस अभी 19 घंटे भाई 7-8 घंटे सो लिया ना तो टाइम अच्छा कट जाएगा अरे बाप रे व्हाट ओ भाई हेलो ये ये, ये 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 मैं चाल के अंदर क्या कर रहा हूँ सिंचन पिंचन चौक

मदद पर इस बार बहुत हो गया मैं यहां पर अब अकेला करूंगा। अभी देखिए एटीन आवर्स रहे हैं पर सही बताओ तो मेरे पेट में बहुत जोर से चुहे कूद रहे हैं मुझे बहुत भूख लगी है मुझे खाने का इंतजाम करना है और गर्म गरम कंबल का इंतजाम करना है भाई ब्लैंकेट दे दो तो मुझे कोई ओमाई गॉड देखिए कितनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है अभी यहाँ पर शाम ही हुई और कितने काले बादल दिख रहे हैं भाई सोचिए रात नहीं है गाइज ये शाम है कहीं ठंड -कि लग रही है भाई मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है और मेरी ठंड भी बहुत बहु, बहु ज़्यादा बहु बढ़ती जा रही है भाई गाइस मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे कोई शेल्टर ढूंढना पड़ेगा अपनी अपनी जान बचाने के लिए काम करता हूँ इस साइड में कभी नहीं गया ट्रेन के इस वाले हिस्से में चलते हैं वैसे भी सिंचाई में जो चौ बोल रहे थे ट्रेन बहुत बड़ी है भाई सोचिए गाइज ये पूरी की पूरी ट्रेन बर्फ में जमी पड़ी है आई थिंक बर्फ जमने की वजह से ये ट्रेन आसमान में रुकी पड़ी है वरना बर्फ पिघल गई नहीं तो ये शायद नीचे गिर जाएगी आई डोंट नो किस तरह कॉन्सेप्ट है भाई ये तो एक ट्रेलर है ये ट्रेलर यहाँ पे क्या कर रहा है और मजा आ रहा है 18 घंटे और और विजेता मैं हूँगा बाकी लोगों को मार दूंगा भाई सब ये तो रेड हल्क है रेड हल्क भी इस चैलेंज में आया है गाइस ये चैलेंज तो बड़ा ही खतरनाक होता जा रहा है ऑलराइट मुझे किसी भी हालत में रेडक के घर को अपना घर बनाना होगा एक मिनट जी मैं क्या देख रहा हूँ साइड में गाइस क्या क्या क्योंकि क्या, क्या मैंने खाना दे... खाना भाई ताज़ा ताज़ा बढ़िया बढ़िया खाना ओ माय गॉड और देखिए गाइस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तो भाई बिस्तरा कंबल वम्बल सारी चीज़ें सब कुछ बढ़िया चीज़ है राइट ओ राइट अब मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर रेडक का ट्रेलर चाहिए एक काम करता हूँ हेलो और हेलो रेडक भाई हेलो अरा कौन मोर कौन है हेलो भाई सॉरी मैंने लात मारी मैं वो असल में नॉक करना चाह रहा था प्लीज़ बाहर आइए मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है ये से क्यों बात कर रहा है बता मतलब क्या है म, म, मतलब बस इतना है कि अगर मैं आपको कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा तो क्या आप मुझे अपने ट्रेलर में जगह देंगे क्या इन्फॉर्मेशन मुझे पता चला है कि अवेंजर्स ने कोई चैलेंज जीता है छोटा मोटा इसलिए भाई उनके शेल्टर में बहुत सारा सोना रखा है उन्हीं ने जीता है मैं तो बोल रहा हूँ आप जाके चुरा लीजिए उसको बाकी आपके शेल्ट आपके ये ट्रेलर का ख्याल में रखूंगा क्या सच में भरा सोना और मुझे सोने से ज्यादा सोना पसंद है इसलिए मैं जा रहा हूँ सोना लेने ऑल राइट गाइज जब तक रेडल भाई साहब वहाँ पहुँचेगा तब तक तो भाई मैं उसके डोनट सारी चीज़ें खा चुका हूँ क्यों ना इस ट्रेलर को मूव करूँ यहाँ से बट नहीं यार अगर मैं ट्रेन पर ट्रेलर चलाऊँगा तो गिर भी सकता है

अवेंजर्स ने उसको कहीं छुपा दिया चोट बोलना मन कर सच सच बता क्यों आया तू यहां क्यों आया एक मिनट कहीं तूने मेरा खाना तो नहीं खा लिया कुछ थोड़ा सा खाया रेडल भाई अच्छा कोई खाना, खाना, खाना बनाएगा अरे भाई क्या जोर से मारा मेरे को रेडल को हुआ नहीं मैं यहां मैंने बस तेरा खाना ही तो खाया था खाना खाना तो पुण्य का काम होता है अब निकल यहां से चोर कहीं का वैसे भी ये खाना तेरा नहीं होगा तूने पक्का किसी से चुराया ही होगा oh. गाइज़ ये काम करता हूं मैं ये क्या हो रहा भाई हेलो अरे पापा और, पा, पा, पा। और मौसम खराब हो गया मुझे अपने ट्रेलर के अंदर जाना है अरे रे देखिए यहाँ पर चारों तरफ एक साथ से गर्मी हो गई है अभी ठंड थी ना भाई ऐसा लग रहा है भाई पूरा आसमान जल रहा है लिटरली में आग में ओ माय गॉड ये किस तरह का तूफान है भाई इस तरह से तरह तो रहा तो मैं तो दस तो 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 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा ओ माय गॉड रेडर को देखिए कैसे हवा में उड़ गया आई डोंट नो गाइस मुझे लगता है कि यहाँ पर अंत आ चुका है भाई ये ट्रेन टूट फूट गई नीचे गिर गई तो और मर जाएंगे हम क्या करो अरे भागो गया से भागना सही रहेगा क्या I don't know guys, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? चौप तो होंगे ना वैसे मैंने उन्होंने मेरे पैर बहुत ज्यादा फिसल रहे हैं अरे कहा जा रहा हूं भाई मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइज क्या आखिरकार क्यों कह रहा है इतना अंधेरा हो गया मुझे तो ट्रेलर भी ठीक से नहीं दिख रहा ओके शुक्र है शुक्र है यहां पर थोड़ा सा तो यहां पे उजाला हुआ देखिएगा इस मौसम कितना ज्यादा खराब है मुझे तो लग भी नहीं रहा है कि अभी मैं धरती पर हूँ ऐसा लगता है कहीं दूसरे अजीब से प्लेनेट पर आ गया हूँ यहाँ रात कब होती है दिन कब होता है कुछ समझ ही नहीं आता है इवन धरती पर भी कुछ दिख नहीं रहा है नीचे वेल यहाँ पे थोड़ा बहुत उजाला हो चुका है तो मेरे को एटलीस्ट कुछ दिख तो रहा है इतना अंधेरा था पहले मुझे कहाँ जा रहा था कहाँ नहीं जा रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था राइट अब मैं कुछ देर सो लेता हूँ गाइस क्योंकि कि यहाँ पर रेडल का तो आता पता है नहीं और पेट भी मेरा अच्छे से भर गया है मेरे पास कुछ और डोनट्स हैं मेरे पॉकेट में रखे हैं तो मैं बाद में उनको गर्म करके खा सकता हूँ चलो गाइस इस टाइम के लिए सो जाता हैं तो बढ़िया

अपने आप को गर्म रखने के लिए तेरे भाइयों में आग लगा देंगे और उसके बाद अपने हाथ तापेंगे टोनी तू पागल हो गया कैसी बातें कर रहा भाई तू यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता अगर तूने फ्रेंकलिन हमारे नुकसान की भरपाई नहीं की, तो सिंचैन, पिंचैन, चौप हम तीनों को इस चैलेंज से बाहर करने के लिए ट्रेन से नीचे गिरा देंगे सोच ले बिल्कुल सही कहा ठीक है ठीक है मुझे मुझे कुछ कुछ घंटों का समय दो मैं तुम्हें तो तुम्हारा पे पेड़ ला कर दूंगा भाई पे पेड़ ला कर दूंगा वो भी हरा भरा बिल्कुल सही का और अगर हमारा पेड़ हम तक नहीं आया तो भूल जा सिंचैन पिंचन चौक को भूल जा तो हमेशा के लिए अरे यार ये मैंने बोला था सिंचा चौक को ये मेरे साथ रहे भाई देख रहे हो क्या मुसीबत मोड़ ले ली ओ माई गॉड जी क्या यहाँ पर तो भाई एक हरा भरा पेड़ है बहुत बढ़िया कर मैं अवेंजर्स को वैसे तो गाइज मैं चाहता नहीं हूँ इस पेड़ को काट के उन्हें देना पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मुझे इस पेड़ को देना पड़ेगा ही ही <laughs> मैंगी भैया मैंगी भैया मैं आपको ही ढूंढ रहा था व्हाट पिंचन तू कहाँ से आया अजी पैपरी सिंचन सिंचन को अवेंजर्स ले गए हाँ मुझे पता है ये न्यूज़ पुरानी हो गई कोई नई खबर हो तो बता <laughs> मैंग भैया प्लीज हमें बचा लीजिए <laughs> हम हमेशा आपके हम हमेशा आपकी बात सुनेंगे बकवास बंद करो तुम लोग मुझे छोड़ कर चले गए थे मन तो कर रहा है तुमको मुसीबत में रहने दो पर कोई नहीं तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगा मेरी बात सुन पिंन फिलहाल हमें यहाँ पर किसी भी हालत में अवेंजर्स को पेड़ लौटाना पड़ेगा ही ही, पेड़ पेड़ अरे ये जो ब्लैक रिवेंजर खड़े हैं इनके पीछे देख पेड़ है तू तो एक काम कर किसी भी तरीके से उस पेड़ के पास पहुंच जा और जैसे पहुंच जाए मुझे सिग्नल दे देना अरे बाई प्री मुझे डर लग रहा है अगर ये आर्मी मुझे मारेगी तो ऐ ब्लैक भैया ब्लैक फेंगे बात सुनिए मुझे आपकी आर्मी में ज्वाइन होना है क्या करेगा आपका मोन पिंचन पेड़ तक जा मेरे भाई मुझे आपकी आर्मी में इसलिए ज्वाइन होना है क्योंकि मुझे यहाँ पर फैंकी भैया के साथ नहीं रहना मैं चाहता हूँ आप ही जीतो उस चैलेंज को और और जीतने के बाद मैं नहीं चाहता आप मुझे कुछ दो बस प्लीज मुझे अपने साथ रख लेना आरे तो बहुत बढ़िया चल तो खेलेगा मेरी आर्मी में जाकर ज्वाइन हो जा पिंचन ने तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर ब्लैक फ्रैंकलिन को उल्लू बना दिया दिस थे दे मैं पेड़ के पास पहुँच गया हूँ पर ये पिंचन गया कहा मुझे दिख नहीं रहा एक काम करता है दोस्तों जल्दी से फेंकी भैया को सिग्नल दे देता हूँ कि मैं पेड़ के पास पहुँच गया हूँ फैंकी भैया मैं पहुँच गया राइट गाइस अभी देखिए पिंचन पेड़ के पास पहुंच चुका है अब मुझे ब्लैक रिवेंजर को और साथ साथ में ब्लैक फ्रेंकलिन को इन दोनों को यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करना होगा जिससे कि पिंचन जैसे ही मैं इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इनसे लड़ रहा हूँ पिंचन वहाँ पे पेड़ को काट पाए ओ भाई ब्लैक फ्रेंकलिन तूने पिंचन को देखा है क्या अबे कीड़े तेरा को क्या मतलब वो मेरा मेरा आदमी है मेरे साथ रहता है वो हे, मेरा भाई वापस लौटाओ वरना तुम लोगों की बैठ जा दूंगा अब तूने मेरे आदमी पर हाथ उठाया मेरे आदमी तेरे तो को भून के खा जाएंगे ए, हम पे हाथ उठाएगा तुझे कर देंगे। मैं तुम लोगों से डरता नहीं हूँ इनसे लड़ने का नाटक कर रहा हूँ तू जल्दी से यहाँ पर काट और ये लो। अरे, अरे, क्या कर रहे हो मेरी इस से पिट रहे हो है इस ने भाई। दांत ही तोड़ दिया मेरा अबे रुक बेटा तेरे को उल्टा लटकाऊंगा उसके बाद तेरे को यहाँ पर रात को सोने भी नहीं दूंगा अभी तेरी मैं बैठने बजाऊंगा मैं तो डरता नहीं हूँ मेरा भाई लौटा दे वरना 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 क्या करेगा क्या करेगा तू अबे एक ग्यारह घंटे बचे इस चैलेंज को तो मैं जीतूंगा वैसे भी मैं हार जाऊं तो उससे क्या अवेंजर जीत जाएंगे इस चैलेंज को ही ही दस्त देखिए यहाँ पर पेड़ मैंने काट लिया है और राइट फेंकी भैया पेड़ कट चुका है चलिए यहाँ से इस पेड़ को लेके चलते हैं चले चले चलिए जल्दी निकलते हैं यहाँ से इस पेड़ को लेके इससे पहले की कोई और मुसीबत आ जाए क्या पेड़ कट गया और निकलो यहाँ से गाइस मैं इसी समय का अंदाजा देख रहा था बाकी मैं इनको भी पीट देता हूँ वरना ये बेकार में हमारे पीछे ही आएंगे औरा, औरा मार दिया चलो मैंने कुंफू क्लासेज जो ली थी उनका कुछ फाइनली फ़ायदा तो हो गया टेंशन सुन हमें जल्द से जल्द यहाँ पर अवेंजर्स को इस पेड़ को डिलीवर करना पड़ेगा वरना ओ मेरे भाई चिंच को मार देंगे भाई चौप कहाँ उसका तो कुछ पता भी नहीं है भैया चौप में तो आग लगा रखी है ने वो आग जो लग रही थी चो, 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 चौप में लग रही थी भाई मुझे तो पता ही नहीं था मैं सोच रहा था उन्होंने लकड़ियों में आग लगा रखी है अरे देखो अवेंजर्स मैंने यहाँ पर तुम्हें इतना बड़ा पेड़ लाके दे दिया प्लीज अब सिंचन बिंचन चौप को मेरे वापस हवाले कर दो भाई उसके बाद हम तुम्हारा कोई सामान नहीं छुड़ाएंगे पापा कलवा शुक्रिया तूने मेरी जान बचा ली इतनी आसानी से कहा फ्रेंकलैन अभी तो सिर्फ़ तूने हमारे नुकसान की भरपाई की है लेकिन सजा कहाँ काटी है क्योंकि क्या मतलब भाई मैं पूरा पेड़ तुम लोगों को काट के ले गया आया और तुम लोग बोल रहे हो कि भाई साहब के अभी मैंने सजा नहीं काटी है ऑलरेडी तुमने चॉप की इतनी बुरी बैंड बजा दी बेचारे इस को डर में रख रखा है और क्या चाहिए चुप चाप यहाँ से अपनी फैमिली को लेकर स्ट्रेन से नीचे कूचा क्योंकि इस चैलेंज को तो हम ही जीतेंगे क्या मैं ऐसा नहीं करूँगा भाई हमारा भी हक है इस चैलेंज को जीतने का देखना एंड में जो भी प्राइज़ मनी होगी जो भी प्राइज़ होगा जो भी अरे पाप रहे जो भी हमारे लिए यहाँ पर चीजें होंगी वो मैं जीतूंगा कुछ भी हो जाए निकाल यहां से बेवकूफ को कहीं का मैं किसी भी हालत में अवेंजर्स के अलावा यहाँ पर किसी और को नहीं रहने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए अरे टोनी तो मेरे को भी पीट रहा है इस वाले चैलेंज में तो ब्लैक फ्रेंकिन भी है रेडल भी है ना जाने कितने अलग लोग हैं ही, ही भैया बहुत बुरे इनको मैं छेड़ूंगा नहीं टोनी मेरी फैमिली को मारना बंद कर चाहे मेरे को मारना कितना पीटना पीट ले अच्छा फैमिली से तो ज्यादा प्यार करता है ये एक काम करता हूँ दोस्तों यहाँ पर इस गन का स्थान करके टोनी भैया की बहन लेता हूँ मारो बाप ये बच्चे के पास गन से घास मेरे पास तो गन की हाँ

हट गया मैं एक मिनट सारे अवेंजर्स की बैंड हो गई और बढ़िया निकल यहाँ से टोनी के बच्चे मुझे पीट रहा था पूरी तरह से मेरी फैमिली बाहर उठाएगा हाँ ऑलराइट गाइस गाइज यहाँ पर अवेंजर्स को तो हमने अच्छी तरह से पीट दिया मैं क्या बोलता हूँ अब यहाँ पर ना हम ही राज करेंगे सिंचन पिंचन चौप यहाँ पे बकलबा कैसी बातें कर रहा अगर ये अवेंजर्स दोबारा उठ गए ना भाई तो भाई चटनी बना देंगे फ्रैंकलैंड रुक जा मेरा सूट एक बार जरा यहाँ पे वापस से सेट हो जाए छोड़ूंगा नहीं फिर तो भाई हमें निकलना पड़ेगा अब तो यार ये टोनी जानी दुश्मन बन गया हमारा किसी भी हालत में गाई ये हमारा पीछा छोड़ेगा नहीं और ये हमको इस ट्रेन से नीचे फेंके रहेगा और एक बार हम इस ट्रेन से नीचे गिर गए तो हमारा इतने घंटे जो हमने सर्वाइव किया इतनी जो मुसीबतें मोड़ दी है भाई वो सब वेस्ट जाएंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि जीतने पर क्या मिलेगा बकलबा भाई अब हम कहाँ जाएँ मेरे हिसाब से अब हम एकदम नई जगह जाएंगे तुम लोगों ने बोला था ना ये ट्रेन बहुत बड़ी है तो चलो इस ट्रेन के एंड तक जाते हैं आखिरकार देखते हैं इस ट्रेन के एंड पे क्या है ओ भाई हेलो सिंजन मिजन चौब देखो उधर कुछ तो है भाई भाई ये तो यहाँ पर चार बेडशीट हैं और भाई यहाँ पे टूटी फूटी बहुत सारी चीज़ें भी हैं ऑल मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया आ रहा है क्यों ना हम ये जितना भी सामान है जितने भी रिसोर्सेज हैं इस सभी का इस्तेमाल करके अपने लिए मस्त चार टेंट बनाएँ और उसमें हीटिंग का कुछ सामान बनाएँ और साथ साथ में भाई साहब यहाँ पर देखिए बारवे की मशीन भी है तो हम यहाँ पर भाई मेरे पॉकेट में कुछ डोनट रखे हैं हम उनको गर्म करके खा सकते हैं कलवाड़ा हो भाई, कल भाई ये प्लान तो बहुत बढ़िया भाई लेकिन अब इंजर्स का क्या करवा गए तो अरे हम इतनी दूर आ गए हैं कि वो लोगों को तो पता भी नहीं हम कौन से डायरेक्शन में गए थे ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ट्रेन के दो डायरेक्शन एक लेफ्ट एक राइट हो सकता है वो जब तक यहाँ पर आए तब तक भाई हम अपना ऑलरेडी

जिसमें कि यहाँ पर बढ़िया तरीके से हमने हीटिंग का भी यहाँ पर सोल्यूशन निकाल लिया मतलब अंदर एकदम मस्त गर्माई हो रही है भाई कम्बल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सोने के लिए बकलवा बा भाई बा, मुझे तो ठंड लग रही है मैं जा रहा हूँ अपने टेंट के अंदर अरे जाओ 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 वैसे गाइज यहाँ पर मैं सोच रहा था कि अगर हम सो जाएं देखिए आठ घंटे बचे हैं आठ में से अगर हम सात घंटे भी सो गए तो फिर लास्ट का एक घंटा ही बचेगा तो बढ़िया रहेगा ही, ही मज़ा आ रहा है इस टेंट में तो चलो चलो मैं भी अपने टेंट में जाता हूँ अरे वाह कितना खूबसूरत टेंट है और इस टेंट में तो अवेंजर्स को पता भी नहीं चलेगा कि इस टेंट के अंदर हमें बस दुआ करो दोस्तों के अवेंजर साइड आ ना जाए वैसे तो हम काफ़ी दूर आ चुके हैं बकअल ये तो बहुत ही बढ़िया थैंक यू अरे थैंक यू थैंक यू भैया थैंक यू अभी मत बोलो यार जब इस चैलेंज को हम फाइनली जीत जाए ना तब बोलना ऑल राइट गाइस काफ़ी आराम और सुकून मिल रहा है यहाँ पे चलो गाइज अब मैं यहाँ पे जल्दी से सोने की कोशिश करता हूँ बाकी दोस्तों आप लोग ख्याल रखना अवेंजर्स ना आ जाएं भाई साहब किसी भी हालत में भाई साहब हमें ये आठ घंटे और सर्वाइव करने और देखना जीतेंगे तो हम ही चाहे कुछ भी हो जाए ओ गुड नाइट अरे बाप रे गाइज यार मैं सही बताऊं तो ठीक से सो ही नहीं पाया क्योंकि कायज यहां पर इतना ज़्यादा शोर शराबा रहा है बाहर से हवाएं चलने की आवाज़ें आ रही हैं बट थैंक गॉड एटलीस्ट मुझे ठंड तो नहीं लग रही थी एक मिनट अरे ये क्या अरे भाई फिर से रात हो गई गाइस देख रहे हो अजीब सा टाइम है आका पर शुक्र की बात ये है कि तो पचास मिनट बची है इधर आओ सबके सब बच्चे इधर आओ ओ भाई वो कौन है अरे अरे सुनो 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 सिंचन सिंचैन ए सिंचन तो है ही नहीं हलो प, 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 एक मिनट पिंचन 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 भी नहीं है चौप तो होगा चौप सिन पिंचन अरे भाई कोई भी नहीं है तो अपने टेंट में ये क्या मजाक है आई थिंक गाइस मुझे तो लगता है ये जो आइस गॉड है इसी की वजह से इतनी ठंड फैली है और शायद आइस गॉड सबको बुला रहा है तो शायद सिंचनचैन मुझसे पहले ही निकल गए गाइज

और अब इस चैलेंज को और इंटरेस्टिंग करते हैं तुम सभी में से सिर्फ एक ही टीम जीतेगी पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर टोटल दो टीम, है। एक की टीम और एक फ्रैंकलिन की, टीम। की चिंता मत करो। कुछ नहीं मिलेगा इसलिए तुम दोनों में से किसी एक टीम को हारना होगा उसी के बाद एक टीम जीत पाएगी और उसको बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट मिलेंगे अरे बापरी चीटिंग हो गई हमारे

कैसे आ गया तो निकल यहाँ से अभी तो, मेरी तो मैं आंखों के सामने गिरा था टोनी मैं इतनी आसानी से हारूंगा नहीं समझा तो? <laughs> तो भाई साहब गया फ्रैंकलिन अभी तेरी फैमिली को पहले नीचे गिराता हूँ

मुझे इन सभी को डिफ़ीट करने के लिए यहां से बस नीचे गिराना होगा और दैट सेट मेरा काम हो गया निकल यहां से अंतर यामी को मारता है।, को कैसे ले रहा है बट कोई बात नहीं है, यहां पर 30 है। एक बार कंफर्म कर लेता ये लोग आए तो नहीं है वापस ऑल राइट पूरा मैदान खाली है आपको मैं जल्दी जल्दी गिफ्ट दिखा देता हूँ देखिये इनको मिले गिफ्ट में भाई दो कार एक है लेम्बोगनी और दूसरी भाई